जो कलेक्टर का आदेश है उसका पालन किया जाए और हमें तो कोई आपत्ति है नहीं और किसी को भी होनी भी नहीं चाहिए। और जहाँ तक पटाखे का क्वेश्चन है, पटाखे ठीक है, हम मानते हैं कि उससे प्रदूषण भी फैलता है, लेकिन एक पटाखे महज कुछ लोगों की उससे रोजगारी भी छिनती है। एक तो धारा 144 लगानो और साथ में वो पटाखा को ऊपर ए समय में प्रतिबंध लगानो, जो बहुत ही गलत है। देखो आदेश तो गलत ही है, क्योंकि देखो ये सबका अपना अपना है, सारे करेंगे। सगले दर्शकान राम राम, स्वागत है थारो जल को झुंझुनू गमा। मेरा नाम है आदर्श और मेरे सागे मौजूद है मेरे साथी कैमरामैन अरविंद और मैं दोनों ये टाइम झुंझुनू को जो कलेक्ट्रेट है बड़े मौजूद हाँ अड़े हूँ। मैं थान ले के चाल से झुंझुनू शहर के दौरा पर, और आज को जो दौरों है अभी का पीछे कारण यू है कि अभी कुछ दिन पहले जो शहर का कलेक्टर ही दिवाली के लिए कुछ आदेश काटे हैं, जी के अंदर की वह जो पटाखा फोड़न को टाइम है बिन बाध्य कर दियो भी के अलावा और भी दो तीन चीज़ों के लिए वह बाध्यता लगाई है। जय कि लोग ही वह रात में 10 बजे सुबह 6 बजे के बीच में 12 कौन घूम सके, इकट्ठा कौन हो उसके एक जगह, कोई प्रकार को हथियार कौन रख सकें आपके साथ, जाए बंदूक लकड़ी कोई भी बालो वगैरह कुछ भी हथियार भी के अंदर सारा हथियार शामिल होगा। और भी के अलावा जो विदेशी पटाखा ही बन कौन खरीद सके लोग और ना बन कोई बेच सके, और बिकले अगर कोई बेचे तो भी बिकले शिकायत कर सके। तो वो जो पूरा मामलो है, वो जो पूरा आदेश है, इसके बारे में आप झुंझुनू के लोगों राय ले। रात्रि में अगर धारा लगाई जाती है तो शायद किसी को एतराज नहीं होगा 10 बजे बाद में, दिन के अंदर तो ये त्यौहार ही ऐसा कि पब्लिक का आवागमन रहता है और उसमें भीड़ भी रहती है, और ये जो 12 महीने से त्यौहार आता है हर इंसान सोचता है कि आप दुकानदारी हो बिजनेस काफ़ी समय से फ्लॉप चल रहे थे, अभी पब्लिक की जो मतलब बाजार में डिमांड आ रही है उस हिसाब से लगता है कि दिन में धारा नहीं रात की धारा अगर हो सकता है सरकारी आदेश है तो वो मान्य है। और जहाँ तक पटाखे का क्वेश्चन है, पटाखे ठीक है हम मानते हैं कि उससे प्रदूषण भी फैलता है, लेकिन एक पटाखे महज कुछ लोगों की उससे रोजगारी भी छिनती है जो उचित नहीं है। उनको इस तरह से दिया जाए कि चाहे ग्रीन पटाखे फोड़े या दूसरा कोई ऐसा अल्टरनेट ले ताकि वो अपनी खुशियाँ उसमें शामिल कर सके, और जिन्होंने पटाखों का स्टॉक कर लिया है उनको भी पटाखों बिक्री को ताकि उनको भी नुकसान नहीं उठाना पड़े। उनको इस तरह से कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए ताकि मतलब दुकानदारों को नुकसान नहीं उठाना पड़े। पर जो अनुमति धारा 144 तो थोड़ी सी भी गलत हमारे लोग इन्जॉयमेंट तो सब करना चाहें, वेट करें त्यौहार वगैरह को, हर चीज़ को सब इंतजार करेंगे, अब त्यौहार आवे थोड़ा इन्जॉयमेंट करा घुमा फिरा, या तो थोड़ा सा दिक्कत है चीज़ के मायने। साल में एक बार त्यौहार आ रहा है तो इसलिए सब खुशी मनाना चाहूँ, थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी पालन तो सब खुद कर रहे हैं हर चीज़ को। कलेक्टर साहब ने तो सही बोला है, जो रात को ये काम होना ही गलत है, और पटाखे जलाना ध्वनि प्रदूषण होना और रात को हथियार लेके चलना, जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं जो अच्छे घराने वाले लोग हैं ये काम नहीं करते हैं, तो उनको डराने धमकाने वाली बात है। यह कह रहे हो जो असामाजिक तत्व ही जीव खतरो है कि भाई कि कोई हरकत करेगा बंद रोकने के लिए, उनको रोकने की उनको रोकना भी चाहिए, जो असामाजिक तत्व है उनको रोकना भी चाहिए। ये सब देखो आप जानते हैं सर आप भी कि आजकल पढ़ाई की शिक्षा की ज़्यादा महत्व दे रहा है, तो ये उनको रोकना चाहिए। और जो कलेक्टर साहब ने जो आदेश करे वो एकदम राइट है। देखो आदेश तो गलत ही है, क्योंकि देखो ये सबका अपना अपना है, सारे करेंगे, उनके भी करेंगे अपने भी करेंगे, दोनों के लिए ही सही है। देखो अपना कोई भी त्यौहार आता है वो मनाने के लिए ही आता है, अब उन पे रोक लगाना तो सही नहीं है, पहले भी तो हो रहा था, आज क्या हो गया? अभी एक जै देखो तो कोरोना भी चल रहे और आपराधिक गतिविधियां झुंझुनू के अंदर पिछले कुछ टाइम लगातार काफी बढ़ रही, तो जो आदेश ने पारित करने के पीछे कारण है वो कारण यही है कि जो आपराधिक गतिविधि ही ना अन रोको जा सके। नहीं अपराधी गतिविधि रोकने के लिए पुलिस है प्रशासन है, उसको कहो ना, ये समाज पर रोक लगाने की क्या जरूरत है। दीपावली कहीं को त्योहार है जी के महीने रात्रि के समय के महीने ही लक्ष्मी पूजन और उत्साह के साथ लोग पटाखा इत्यादि बजा के रोशनी इत्यादि करके और ये त्योहार ने मनावे है, और परंपरागत यो जो त्योहार है एमए या मान्यता है कि रात्रि के समय कमाई ने रोशनी इत्यादि पूजन करके दीपक जला के पटाखा इत्यादि जला के और माँ लक्ष्मी ने प्रसन्न करो जाए, और जिला कलेक्टर के द्वारा यो जो तुगलकी फरमान एक तो धारा 144 लगानो और साथ में यो पटाखा को ऊपर ए समय में प्रतिबंध लगानो, यो बहुत ही गलत है, और मैं और पार्टी की ओर से इनको घोर विरोध करूँ हूँ, क्योंकि यह एक तरह तुगलकी फरमान ही कहो जा सके है। दीपावली एक पावन पर्व है, रात्रि के समय मनाने वाला पर्व है, रात्रि के समय लोग पूजन के बाद एक दूसरे से जाके मिलते हैं, व्यापारी एक दूसरे से मिलते हैं और खुशियां बांटते हैं, बच्चे रात को पूजन के बाद में पटाखे इत्यादि चला के रोशनी करके
और इस त्योहार का आनंद लेते हैं। ये रात्रि का ही त्योहार है। अगर रात को धारा 144 लगा दी जाएगी तो ना तो कोई व्यापारी या कोई भी अपनी खुशी को एक दूसरे के साथ जाहिर नहीं कर सकता। जिस प्रकार ईद के त्यौहार पे एक दूसरे से गले मिलकर और उस त्यौहार की खुशी को मनाया जाता है, उसी प्रकार ये दीपावली का जो त्यौहार है, ये रात्रि को पूजन के बाद सब एक दूसरे से मिलके इस खुशी का इजहार करते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाना एक तुगलकी फरमान है। और झुंझुनू जिले के अलावा पूरा राजस्थान रहा, देश रहा, कहीं पर भी ऐसा नहीं है। तो मैं तो इसको सरासर ये मानता हूँ कि एक तुगलकी फरमान है, एक बिना सोचा समझा या फिर सोचा समझा, आप कुछ भी मान सकते हैं। ये फरमान ना बार बार तुगलकी फरमान कह रहे हो तो ये बात तू दर्शकान के समझना चाहे के मतलब निकालने में तुगलकी को। देखो, एक तो फरमान वो होता है जो जनहित में होता है, लोग इस बारे में सोचे कि भाई ये गलत है या सही है, उसका निर्णय ले सके। और एक वो फरमान होता है जिसका कोई अर्थ ना निकले। दिन में पटाखे चलाओ, रात को मत चलाओ। अब रात को अगर अधिक प्रदूषण होता है तो वो बात अलग है, तो उस बारे में वो स्पष्ट करें। अगर रात को धारा 144 ये त्यौहार ही रात्रि का है तो इसको तुगलकी फरमान ही कहेंगे कि बिना सोचे समझे या तो वो जारी कर दिया या फिर उन्होंने अपनी बुद्धि का अधिक प्रयोग करके इसको जारी किया, जो कि मैं तो इसका घोर विरोध करता हूँ। जय की थान पतो है, अभी जो कलेक्टर साहब हूँ वह एक दिवाली लेके आदेश पारित करे जी के अंदर की वह धारा 144 CRPC है वह लागू करी है। देखिए, व्हाट्सएप पे मैंने उस आदेश को देखा है और ये क्रमांक 1973 दिनांक 28/10/2021 का कलेक्टर साहब का आदेश है। सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि मैंने आदेश को देखा भी है और पढ़ा भी है। मुख्य रूप से CRPC में धारा 144 में इस तरह के आदेश पारित करने का प्रावधान है और जिला कलेक्टर इस तरह का आदेश पारित करने के लिए सक्षम है। और मेरा ये भी कहना है कि हरियाणा से लगती सीमा है, झुंझुनू जिला काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में है और फिर आज आपराधिक गतिविधियां जिस प्रकार बढ़ रही है, तो एक बहुतायत कम्युनिटी के त्यौहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाने के लिए असामाजिक तत्व और आपराधिक गतिविधियां नहीं बढ़ें या किसी तरह का कोई इस तरह का बवाल या कोई अपराध न हो जिससे किसी के त्यौहार में किसी प्रकार का कोई खलल पहुँचे, इसलिए ये आदेश जो है ये वैधानिक है, उचित है और बिल्कुल सही रूप से पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त ये भी है कि इस आदेश का किसी जाति से किसी धर्म से कोई सरोकार नहीं है। आज कोई बिला वजह इसको किसी जाति से धर्म से जोड़ना चाहे वो सरासर गलत है। ये आदेश तो एक नागरिकों की सुरक्षा संरक्षा के लिए और दीपावली का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाए जाने के उद्देश्य से कि शांतिपूर्ण त्यौहार मनाया जा सके पारित किया गया है और इस आदेश में त्यौहार मनाए जाने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। और सरकारी आदेश को प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि सरकारी आदेश को सकारात्मक रूप से सोचना चाहिए। कलेक्टर साहब की तरफ उपली का जो आदेश आया है दिवाली ले की बम आज कुछ बदलाव कर दिया गया और वह बदलाव ही वह कुछ है ही कि जय पली धारा 144 लागरी ही बिना बटा दियो गयो है। बीके अलावा पली जो पटाखा वगैरह फोड़न की जो छूट थी रात ने 10 बजे लेकी सुबह 8 बजे मना ही की टाइम पटाखा कौन फोड़स को और बाकी पूरे दिन थे पटाखा वगैरह फोड़स को और त्योहार आराम मनास को, लेकिन अब बिन घटा की मात्र 2 घंटा को टाइम दियो है जो कि है 8-10 बजे तक रात ने भी टाइम के बीच में थे पटाखा फोड़स को भी कलाओ थे पटाखा कौन फोड़स को भी कलाओ पल्ली जो हो कि जो विदेशी कंपनी ही बान झुंझुनू के अंदर पटाखा बेचन की और जो विदेशी पटाखा ही बान झुंझुनू का नागरिकान खरीदन की अलाउ को नहीं हवा। लेकिन अब ये है कि अब सीधो तो मना कौन करो, लेकिन जो ग्रीन पटाखा ही अब बाध्य कर दियो कि सिर्फ ग्रीन पटाखा ही बेचोगा और ग्रीन पटाखा ही फोड़ोगा तो भी के अंदर जो विदेशी कंपनी जाएगी चाइनीज कंपनी होगी बन भी एक तरीके से छूट मिल गई है कि भाई भी आपको सामान बेच कहीं थान वीडियो की शौक लागे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। भी के अलावा जो पुराना जो आदेश है आपने कलेक्टर साहब का दिवाली के लिए बह ज्यादा सही है या जो अब का आदेश आए बह ज्यादा सही है आप भी कमेंट करके जरूर बताओ। जलको झुंझुनू देखता रहो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, कंजो बेल आइकन है बिन भी दबाओ ताकि थारों कोई वीडियो नहीं छूटे। जय हिंद, जय झुंझुनू।